एंड वेलकम बैक। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, हम समझने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की ये टाइप, जिसमें हमें कहा जाता है कि पैसा इतने सालों में इतने टाइम्स हो गया, बताओ इतने टाइम्स कितने सालों में होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। उसने ये कहा कि अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 15 साल। उसने कहा कि सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ रुपए हमने सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पे चढ़ाए तो वो ट्रिपल्स, ट्रिपल्स मतलब 3 times, ट्रिपल्स इटसेल्फ वो तिगुने हो जाते हैं कितने सालों में, 15 सालों में। तो पूछा ये जा रहा है कि इट बिकम्स 5 times ऑफ इटसेल्फ इन, तो भाई कोई कह रहा है कि 3 गुना होने में 15 साल लगते हैं, तो बेसिकली 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। जब भी ऐसी कोई टाइप आए, सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज से करने की कोशिश करो। आइए समझते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में जब भी हम कोई पैसा, चाहे सिंपल इंटरेस्ट की बात है चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, जो भी पैसा हम ब्याज पे चढ़ाते हैं या जो भी पैसा हम ब्याज पे लेते हैं, उसे हम हमेशा क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। और उस पैसे पे जो हमें ब्याज मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है, अगर उसको हम सम कर देते हैं तो वो हमें क्या मिलती है, अमाउंट। अमाउंट में हमारी दोनों चीजें होती हैं, क्या, हमारा मूल प्लस हमारी ब्याज। तो भाई इस क्वेश्चन को समझिए कैसे करेंगे बेस्ट पॉसिबल वे में। देखिए, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 15 साल, उसने कहा 3 गुना हो गया कितने सालों में, 15 सालों में। देखिए, 3 गुना होने का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब आप कुछ रुपए लगाओगे, सपोज आपने 3 रुपीज लगाए, आपको 3 times मिलेंगे, यू विल गेट थ्री पी। भाई करने को तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से भी कर लो, बट फॉर्मूला पे हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। पी रुपीज लगाए तो आपको कितने मिले, 3p। बट ऐसे ना सोचिए, मुझे ये लगता है कि आप परसेंटेज से सोचिए कि भाई जो पैसा आप लगाएंगे वो कितने प्रतिशत होगा, 100%, यानी कि 100%। 100% रुपए आपने लगाए और आपको 3 times मिले, 100% का 3 गुना यानी कि 300% आपको मिले। भाई जो पैसा आप लगाते हैं वो क्या होती है, प्रिंसिपल, और जो पैसा आपको 3 साल बाद मिला वो क्या थी, अमाउंट, वो क्या थी, अमाउंट। अब सर समझिए, मैंने फिर कहा कि अमाउंट में 2 चीजें होती हैं, क्या, एक आपका मूल बाकी आपकी ब्याज। अमाउंट कितने प्रतिशत थी, 300%, जिसमें से प्रिंसिपल कितने परसेंट था, 100%। सो आउट ऑफ दिस 300%, 100% इज योर प्रिंसिपल एंड रेस्ट 200% इज योर इंटरेस्ट अर्न इन 3 years। 3 सालों में भाई आपने टोटल ब्याज कितने परसेंट कमाई, 200%। अब समझिए क्या आंसर आने वाला है। उसने कहा कि 5 times होने में कितना टाइम लगेगा, 5 times का मतलब कि भाई अगर आप 100% रुपए लगाएंगे, यू विल गेट 500%। ये 500% अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। अमाउंट में 2 चीजें होती हैं, क्या, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। यहां पे प्रिंसिपल कितना होगा, 100%, और ब्याज कितनी आएगी, 400%। तो बेसिकली हमसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि 400% ब्याज कमाने में भाई साहब आपको कितना टाइम लगेगा। यहां पे देखिए, 200% ब्याज आप कमाते हैं कितने सालों में, 15 सालों में। अगर 15 सालों में आप 200% कमा रहे हैं, अगर आपको डबल ब्याज चाहिए तो डबल टाइम लगेगा, 30 साल लगेंगे। ब्याज कितनी आ जाएगी, 400%, और आपका पैसा कितना हो जाएगा, 5 गुना, या कह सकते हैं 5 times। सो योर करेक्ट आंसर इज 30 years। आई होप समझ आई होगी आपको, ये वीडियो बढ़िया रही होगी, अगर बढ़िया लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाते रहेंगे। थैंक यू।